वो जैसे ही सामने से आती है मैं हाथ ऐसा करके उसको बाजू में कर देता हूं। मालूम नहीं किसका फोन आता है पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन बोलता है दबाव है दबाव है दबाव है दबाव है, और एक झूठा मुकदमा जाके कर लेता है। पुलिस को तो अब पीछे क्या रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी तो रही नहीं है। एक पुलिस माइकलाल ये नहीं बोला कि झूठ है, हम झूठी केस नहीं लेंगे। शेम, शेम, शेम। अरे कल एक औरत उठ के बोले कि तुमने मुझ पर बलात्कार कर दिया, तो क्या मुंबई पुलिस स्टेशन में होगी केस लेगी? मुझे तो मेरे पर कोई भी केस होती तो मुझे कभी दुख नहीं होता, पर मुंबई पुलिस स्टेशन ने मेरे साथ जो नाइंसाफी की है उसके लिए मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा। हर आदमी की समाज में एक अपनी इज्जत होती है, उसके बेटी के सामने उसकी इज्जत होती है। जिन पुलिस ने एक केस लिखा उनको बहन माँ बेटी नहीं है क्या? अरे कोई तुमको कुछ भी बोले, तुमको वर्दी मिली है ना, उस वर्दी से तो ईमान रखो, काहे को किसी के तल में चाटते जाते हो। मेरे अंगार से बोल रहा हूं, अंगार इधर लगा हुआ है। जिस दिन से वो केस हुआ है मैं रात को सोता नहीं हूं। और देखो कैसा किया इन्होंने, मैं पूरे देश में अकलियतों के लिए, इस देश की धर्म व्यवस्था के लिए, इस देश के संविधान के लिए, दलितों के लिए आवाज उठाते रहता हूं। ये साजिश में जो जो शामिल है उन्होंने क्या किया, तो एक मुसलमान औरत को सामने रख के मुझे बदनाम करने का कोशिश किया। मालूम नहीं अभी मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान औरत ही नहीं है, मालूम नहीं, मुझे उसमें नहीं जाना है। लेकिन ये पूरे देश में हजारों फोन आए मुझे, हजारों फोन, कोई कश्मीर से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई बंगाल से आया कि साहब हमें दुख है कि तुम्हारे ऊपर इतने गंदे इल्जाम लगे। पुलिस को जरा भी शर्म नहीं आती। यहां पे बैठे हुए हमारे दलित लोग गए थे तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने औरत ने बोला था चोर चंबर, आपने क्यों गुनाह दाखिल नहीं किया, आपने क्यों चार दिन लगाए? मेरे ऊपर गुनाह दाखिल करने के लिए तुमने वीडियो देखने की भी दिलदारी नहीं दिखाई थी। वीडियो तो वैसे नहीं साहब, दबाव आ गया, नहीं साहब दबाव आ गया, शेम, शेम। अरे दबाव आ गया, कल तुम्हारे बाप के साथ ऐसा हो जाता तो क्या दबाव के नीचे बाप के ऊपर दुगुना दाखिल कर लेते क्या? हम भी राजनीति ही करते हैं और दिल खोल के राजनीति करते हैं। ये मुंबई जो इतना शांत 12 साल था ये हम सभी ने मिलकर रखा था, बराबर है। आज मुंबई का माहौल गंदा करने का काम पुलिस और उस औरत ने किया है। मुंबई में कभी ऐसा नहीं था कि कोई दलित उस पोजीशन पर बैठा है, कोई मुसलमान औरत कुछ कर रही है, कभी भी नहीं था। ये झगड़े लगाने का काम जिस सुअर ने किया है वो सुअर कौन है ये आपको सबको पता है। ऐसा तुम जितेंद्र आवार को खत्म नहीं कर सकते, उल्टा तुमने और जिंदा कर दिया जितेंद्र आवार को। मैं तो लड़ने वाला शख्स हूं। उस दिन में जामीन नहीं लेने वाला था, ये मेरी बीवी बोली नहीं जामीन ले लो, जामीन के लिए इनकार मत करो। मैं तो कह रहा था कि मेरे को जाने दो जेल में, देखता हूं ये पुलिस मुझे कितने दिन जेल में रखते हैं। लेकिन मैं मुंबई पुलिस स्टेशन से विनती करता हूं, परसों तुम्हारा एक सीआरपी आके इधर मस्ती कर रहा था, अगर जान बूझ के भी एक लाठी चलाई आपने
तो लिख लेना संघर्ष हमारे साथ है। हम जब तक शांत है, हम जब तक शांत है हमें शांत रहने दो। जब यहां के सीनियर इंस्पेक्टर से सामने वहां उन्हें चोर चमार कहती है और सीनियर इंस्पेक्टर दाखिल गुनाह दाखिल नहीं करता है, इसका मतलब क्या है? दबाव, गद्दारों का दबाव। ये दबाव किसका है? गद्दारों का है। ये दबाव हमें मालूम करना है। अरे तुम फांसी तो नहीं दोगे ना? इतना याद रखो, मेरे जो 10% दुश्मन है मुंद्रा में, उतना याद रखो। जब तक जिंदा हूं लड़ते रहूंगा, मेरे लगने से डरते हो तो मेरे मौत का इंतजार करना। खुदा हाफिज़। नमस्कार। जय भीम।